टुडेज करंट अफेअर्स डिकोडेड सेशन मायसेल्फ शिवाजी काळे इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टंट न्यूज फ्रॉम 12th मे. हियर इन द फर्स्ट न्यूज दे आर टॉकिंग अबाउट द इश्यू ऑफ सेकंड चेंबर दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट और जिसको हम लोग राज्यसभा भी बोलते हैं. ठीक है, तो एज यू आर अवेयर दैट रिसेंटली 250th सेशन हो चुका है राज्यसभा का एंड हेंस देर इज अ रिन्यूड डिबेट और रिविजिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इश्यू कि क्या भैया राज्यसभा इज अ नेसेसरी सेकंड चेंबर फॉर द पार्लियामेंट. ठीक है, तो जब पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हम लोग राज्यसभा बोलेंगे. इट इज देयर ऑल्सो इन द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो उसको विधान परिषद बोला जाता है या सेकंड चेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी बोला जाता है. तो क्या इसकी जरूरत है, तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर उसके पहले जो जो प्रोविजंस हुए थे उसके बारे में इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है. तो देखते देखो भैया, जैसे हम सब लोगों को आपको पता है कि 1952 में राज्यसभा वॉज होल्डेड इट्स फर्स्ट सेशन. ठीक है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड उसके बाद में प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में 52nd ईयर ऑफ 19th सेंचुरी में राज्यसभा ने पहला सेशन कंडक्ट किया. उसके बाद तक दिस पर्टिकुलर हाउस इज कंटिन्यूअसली फंक्शनिंग क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, तो कैसे शुरुआत हुई थी, कब पहली बार बायकैमलरिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. तो देखो बायकैमलरिज्म ये वर्ड का पहले आप मतलब समझ लेना क्योंकि यूपीएससी ऐसे वर्ड आजकल प्रीलिम्स में पर्टिकुलरली यूज करती है. तो बायकैमलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें दो डिफरेंट बॉडीज या हाउसेस काम करेंगे जो कोई भी लॉ बनाने के लिए या कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर करने के लिए उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे. एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इन द 1919 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द बायकैमलरिज्म इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेचर. ठीक है, तो तब 60 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे ऑफ देन राज्यसभा या जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हो. लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड था, बहुत कम लोग उसके लिए वोट कर सकते थे और बहुत कम लोग उसमें एज अ मेंबर बनने के लिए पार्टिसिपेट हो सकते थे. ठीक है, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया इन दैट पर्टिकुलर एक्ट दे इलेबोरेटेड दैट पर्टिकुलर प्रोविजंस. ठीक है, बट बेसिकली दिस पर्टिकुलर एक्ट नेवर केम इन टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन. हेंस टिल 1947 और आफ्टर दैट ऑल्सो वॉट एवर आर द प्रोविजंस गिवन बाय द 1919 एक्ट कंटिन्यूअसली फंक्शन. हेंस व्हेन द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर एस्टेब्लिश्ड टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हेंस द पॉलिटिकल पॉलिटी रिलेटेड स्ट्रक्चर That Constitution Assembly has debated this issue for a very long period of time. एक हफ्ते से ज्यादा उन्होंने debate किया था कि bicameralism होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो somewhere into the support, somewhere also having opposing stand. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इनके बारे में उन्होंने रखा था. तो particularly अगर आप देखोगे तो जो लोग oppose कर रहे थे they were talking about the issue of creation of imperialism. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश पॉलिटी स्ट्रक्चर में आपको देखा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसको इंडिया में हम लोग लोकसभा बोलेंगे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जिसको हम इंडिया में राज्यसभा बोलेंगे. तो ब्रिटिश कल्चर में या वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट में दिस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे आर एक्चुअली द लॉर्ड्स. ठीक है, जो इंडिया में यू कैन कोरिलेट देम विद द जमींदार एट द ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो दे आर एक्चुअली द पीपल बिलोंगिंग टू द फ्यूडल क्लास एंड हिंस दे विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन फ्यूडल स्ट्रक्चर एंड हिंस दे विल सपोर्ट द इंपीरियलिज्म. दैट इज वॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स विच इज यू कैन से इट विल बी लिटिल बिट करेक्ट रिलेटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम
यूनाइटेड किंगडम में जो था 19th सेंचुरी, बट इंडिया में वी कैन नॉट से दैट बिकॉज 1919 के एक्ट के बाद में पर्टिकुलरली जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और पार्लियामेंट में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बात की, तो वी डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस पर्टिकुलर मेंबरशिप टू सिलेक्टेड पीपल, हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया था. सेकंड पॉइंट उसके बारे में जो बोला जाता है दैट इज इट विल हैम्पर द स्पीडी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. ठीक है, तो ये बोला जाता है बिकॉज इट इज बिकम्स एन अननेसेसरी स्टेप टू बी फॉलोड एवरी टाइम देयर विल बी अ न्यू लॉ. लेकिन जो अपोनेंट्स थे उससे ज्यादा प्रोपोनेंट्स की संख्या थी एंड दे हैड अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. जैसे कि पर्टिकुलरली दिस सेकेंड हाउस विल गिव अ सोबरिटी एंड सेकेंड थॉट. जैसे कि अगर आपने देखा तो लोकसभा में क्या होता है, वंस अ जनरल इलेक्शन इज कंडक्टेड एंड सपोज एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज इन मेजॉरिटी, तो लोकसभा अगर एक ही हाउस होगा तो देर विल नॉट बी एनी सेकेंड ओपिनियन ऑन द पर्टिकुलर इश्यू इफ द मेजॉरिटी गवर्नमेंट थिंक्स दैट दिस हैज टू बी डन और दिस शुड नॉट बी डन. देन इन दैट पर्टिकुलर केस इम्पल्स मेकिंग और विल्स एंड फैंसीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस और द रूलिंग पार्टी विल बिकम द नॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो उसको रोकने के लिए, उस इम्पल्स को कम करने के लिए इट इज वेरी गुड टू हैव अ सेकेंड हाउस एज अ जिसको आप बोलोगे सेकंड थॉट लेने के लिए या सोबर करने के लिए ओपिनियन को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, साथ में आप ये भी बोल सकते हो, जैसे ये बोलते हैं कि इट विल स्लो डाउन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, प्रपोनेंट्स आर सेइंग दैट इट विल कीप एन चेक ऑन द हैस्टी लेजिस्लेशंस. ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट के साथ कोरिलेट भी होता है. और इम्पोर्टेंट चीज आप में इसके बोल सकते हो कि इट विल इनकरेज मोर डिबेट. ठीक है, क्योंकि अगर आज आप लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में देखा तो कोई भी बिल अगर आप किसी भी एक हाउस में प्रेजेंट करते हो तो इट विल गो इन टू द सेकेंड हाउस, वहां पे भी डिबेट होगा. सो देर विल बी टू टाइम्स डिबेट ऑन द पर्टिकुलर इशू. तो दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पे सब लोगों को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है. सब लोग मतलब कौन? ऑल सिटीजंस. बट ऑल सिटीजंस कैन नॉट गो एंड डिबेट द इशू इन द पार्लियामेंट, हेंस दे आर सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. अभी ये रिप्रेजेंटेटिव बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? लोकसभा में भी तो रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो स्टेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जिम्मेदारी इज गिवन टू द राज्यसभा. हेंस द वर्ड इज राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट. Hence, the bicameralism principle is also in support to the principle of federalism. That is what the point we want to make it here. ठीक है, तो we can say that bicameralism is a bulwark for the, or a, we can say a support mechanism for the federal structure of India. ठीक है, so it's very important. तो आपके prelims के लिए particularly आप काउंसिल ऑफ स्टेट को डिटेल में पढ़ लेना, पार्लियामेंट का चैप्टर है आपकी पॉलिटी के बुक में, उसमें से. मेंस में आपको इसके रिलेटेड एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा कि इज इट नेसेसरी टू रिविजिट द कंसेप्ट ऑफ राज्यसभा इन द रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे वैसे. तो ये बेसिक तो आपको लिखना पड़ेगा और दो चार चीजें करंट की जो आप उसमें ऐड से कर सकते हो कि 250th सेशन हो चुका है. ठीक है, मीन्स इट इज अ फंक्शनिंग हाउस. उसके बाद में आप ये भी लिखना कि रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज इन टाइम स्पेंडिंग ऑन द डिस्कशन एंड लेजिस्लेटिव पर्पज, ये भी लिखोगे. लेकिन ये बहुत रिसेंट के पीरियड की, लास्ट 5 years की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पहले जो 10 साल थे उसमें कम हो गया था, ये भी आप ऑब्जर्वेशन लिख लेना. एक पिछला हमारा डिस्कशन है उसमें हम लोगों ने इस इशू के ऊपर डिटेल में चर्चा की है, तो वहां से आप ये देख लेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. तो भैया देखो, ये बोला जा रहा है कि व्हाई मास्क आर नेसेसरी. ठीक है, हाउ इट विल हेल्प. तो सब लोग आपको बोले जा रहे हैं कि मास्क पहनो या आप आपके मुंह को ढको विथ एनी टाइप ऑफ क्लोथ. ठीक है, हैंकरचीफ या एनी अदर टाइप. तो इसका क्या फायदा है? तो ये आर्टिकल वही बताता है कि भैया इससे दो चीजें होती है. एक पर्टिकुलरली केस में अगर एनी पर्सन इज इन्फेक्टेड देन वेन एवर ही विल स्नीज और कफ. ठीक है, या जोर जोर से बात भी कर रहा है, सो वॉट एवर इज द ड्रॉपलेट्स दैट आर going to be exit out from that in jet. ठीक है, तो उसका जो distance है वो कम हो जाएगा जाने का. ठीक है,
तो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो कोई भी बंदा अगर कफ या स्नीज करता है तो उसके जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स है 2 मीटर तक जाते, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो 5 मीटर तक जाते। तो भैया कोई भी इंसान अगर छींकेगा तो 5 मीटर तक के लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है इफ इट इज अ पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। तो इन दैट केस अगर वो बंदे ने पहना है मास्क तो इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस दैट इट कैन ट्रैवल दैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे जो हेल्दी पर्सन है, अगर हेल्दी पर्सन ने मास्क पहना है तो सपोज इन केस दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के कॉन्टेक्ट में वो आ जाता है तो भी दैट पर्टिकुलर मास्क, ठीक है, विल प्रिवेंट दैट ड्रॉपलेट्स टू डायरेक्टली एंटर इन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो उससे भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज ऑफ डायरेक्ट इन्फेक्शन टू एनी हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आप मास्क पहनोगे, मतलब 80% ऑफ द पीपल अगर मास्क पहनते हैं विथ द केयर ऑफ जिसको आप बोलोगे फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, तो देयर आर सम साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्लेमिंग दैट इट विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा एंड इसका इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि ये जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है दैट इज सिंपली टू रिस्ट्रिक्ट और अवॉइड कम्युनिटी स्प्रेड। तो अगर आप मास्क पहनोगे, आप हाथ धोओगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो करोगे तो देन इट विल बी पॉसिबल टू लिफ्ट दिस लॉकडाउन इन सर्टन मैनर और इन सर्टन प्रोपोर्शन सो दैट द इकोनॉमी कैन स्टार्ट अगेन। तो देखो भैया ये मास्क पहनने के बहुत फायदे, आप भी पहनो, आपके बाजू के लोगों को भी पहनने के लिए बताओ, ठीक है। आगे जाते हैं, एक बढ़िया न्यूज आया है, देखो NIL मेक्स वेंटिलेटर फॉर द नॉन ICU COVID-19 केसेस। NIL क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। क्या किया इसने, देखो भैया एक बनाया है उन्होंने वेंटिलेटर, क्या नाम दिया है उसको, स्वस्थ वायु, ठीक है। और क्या ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है, बहुत बढ़िया, और जिसको आप नॉन क्रिटिकल नॉन ICU केसेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल और ICU केसेस में तो सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर यूज किए ही जाते हैं, बट द पॉइंट इज दैट इट्स नंबर इज वेरी लेस, ठीक है, इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई एंड एक्चुअली उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है दैट इज नॉट सफिशियंट टू फुलफिल द डिमांड इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे पोर्टेबल अगर हम लोग बनाएंगे तो दैट विल बिकम एडिशनल सपोर्ट टू द मेडिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रीलिम के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान में रखना, बिकॉज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको बनाया है, ठीक है। आगे जाते हैं, देखो ये आज का बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, दिस इज रिलेटेड टू बैड बैंक, ठीक है। बैड बैंक का कंसेप्ट है, क्या होता है बैड बैंक, तो सिंपल थोड़ा सा लॉजिक इसमें रखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, जिसमें जो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड सपोज गवर्नमेंट इज अलाउडिंग देम, तो ऑल द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल बी गिवन सम नेम, ठीक है। सो सपोज से पारा इज द नेम, ठीक है, वी विल कम टू इट कि पारा क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पर्टिकुलरली और प्राइवेट के भी इफ इट अलाउड बैड लोन्स NPAs इसको ट्रांसफर कर देंगे और जो हेल्दी लोन्स है बाकी की जो बैंकिंग फंक्शंस है दैट विल बी रिमेनिंग विद द बैंक्स ओनली। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, इसका आगे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, पहले एक आंसर राइट राइटिंग चैलेंज के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसका आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और आंसर लिखने के बाद हम लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक डिस्कशन इसके ऊपर भेज दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे उसका पीयर रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो भैया देखो क्या क्वेश्चन बनाया आज, बैड बैंक इज गुड बैंकिंग क्रिटिकली एनालाइज। देखो भैया छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन है, बैड बैंक ये क्या है, दिस इज अ कंसेप्ट, गुड बैंकिंग इज कि बैंकिंग जो आज हम लोग देखते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली हैज बिकम अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क,
फॉर द रेगुलेटर ऑल्सो, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो, सपोज दे वॉन्ट टू गो अ एंड गेट अ लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो भैया बैड बैंक बनाओ, बैंकिंग सुधर जाएगा, दैट इज वॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट. लेकिन इसको क्रिटिकली एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना. ठीक है, तो वीडियो पॉज कर दीजिए, आंसर लिखिए, आंसर लिख के हम लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए. ठीक है, ऑल राइट. तो आप लोगों ने, सब लोगों ने आंसर लिखा होगा, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं और देखते हैं क्या इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखने चाहिए थे. तो देखो भैया, पहले तो डिफाइन करेंगे कि क्या है बैड बैंक. ठीक है, तो क्या है भैया बैड बैंक? इट्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कंपनी दैट इज बाइंग बैड लोन्स फ्रॉम द सेवरल बैंक्स एट अ डिस्काउंट. ठीक है, एंड ट्राइज टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स बाय प्रोवाइडिंग अ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन. वेरी क्रिस्प एंड छोटा सा डेफिनेशन. तो क्या करेगा, ये लोन खरीदेगा और ये लोन बेचने का कोशिश करेगा थ्रू देयर एसेट्स. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक आधा कंपनी है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, जिसने कोई लोन लिया था बिकॉज बट इट इज नॉट एबल टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर लोन. ठीक है, तो वह बंद पड़ गया है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो चुका है. तो ये बैड बैंक उसको खरीदेगा और उसके एसेट बेचेगा, लैंड बेचेगा, मशीनरी बेचेगा, या उसके शेयर्स बेचेगा, या उसके मैनेजमेंट में जाके कुछ डिसीजन लेगा. सो दैट दे विल ट्राई टू जनरेट सम मनी विच विल बी यूज टू पे बैक द लोन्स. तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? देखो, दो फायदे होंगे. तो पर्टिकुलरली जो एनपीएस थे वो मोनिटाइज हो जाएंगे और उसका प्रॉब्लम कम हो जाएगा. दूसरा चीज ये हो जाएगा कि जब बैड बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर के लोन्स अपने तरफ ले लेगा, तो बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेस आउट जो हुई थी आज तक बिकॉज ऑफ दिस एनपीए इशू, वो उसके ऊपर का स्ट्रेस निकल जाएगा, दैट विल बिकम क्लीन. सो द बैंक्स का जो क्रेडिट रेटिंग है दैट विल इंप्रूव, है कि नहीं? तो वो खुद अपना बॉन्ड वगैरह बेच के पैसे कमा सकते हैं या और तरह के लोन्स देने के लिए उनके पास पैसा अवेलेबल होगा. तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं भैया? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे 2017 में पहली बार ये कंसेप्ट उन्होंने बोला था, जिसका उन्होंने नाम दिया था पारा. तो पारा मुल्फो में पब्लिक असेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी. उसके बाद में आरबीआई ने भी बोला, उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन के बाद बोला था, प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है, तो उसके थोड़े थोड़े से पैरामीटर्स अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो फोकस नहीं है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे. ठीक है, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बता देता हूं आपको कि उन्होंने आर्टिकल में दिया है, देखो ये सारी चीजें आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, कि जो प्राइवेट असेट मैनेजमेंट कंपनी होगा उसमें छोटे छोटे लोन्स होंगे. ठीक है, एंड जिसका जो आप बोल सकते हो डेफ्ट का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि उसको मोनिटाइज किया जा सकता है. ठीक है, जो नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा दैट विल बी लुकिंग एट आफ्टर द डिफिकल्ट लोन्स. ठीक है, जिसका रकम भी मोटा है, अमाउंट मोटा है, उसके साथ साथ उसका रिकवरी होने का चांसेस भी कम है, तो उसको नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखेगा. और ये नेशनल मैनेजमेंट कंपनी जो होगा वो गवर्नमेंट बैक्ड होगा. ठीक है, तो ऐसे उन्होंने अलग अलग आरबीआई ने थोड़े से दो मॉडल दिए थे, लेकिन एग्जाम के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड दिस पर्टिकुलर डिटेल एनालिसिस वाज नॉट रिक्वायर्ड सिंस वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट इनटू इट, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया. और फिर आंसर में हम लोग लिखेंगे कि भैया जैसे इंडिया ने ये कंसेप्चुलाइज किया है, वैसे कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी इसको किया भी है. ठीक है, और वहां पे वो सक्सेसफुल हो भी गया है, तो इंडिया ने भी करना चाहिए. लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? तो पर्टिकुलर देखो, इंडिया का जो एनपीए है दैट इज ह्यूज, इट्स अबाउट 10 लाख करोड़ रुपए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है, ऑल्सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज वॉट सम ऑफ द बैंकर्स आर सेइंग, बिकॉज अभी देखो लॉकडाउन के पीरियड में 3 मंथ्स का तो मोरेटोरियम दे दिया ना लोन पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर. और ऐसे भी बोला जा रहा है कि इकोनॉमी अगर स्टार्ट भी हो जाता है still people will not be able to pay back their EMIs or loan interest, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जा सकता है, that is a probability. तो ये जो बढ़ा देने के बाद जो भी रकम होगा that will be even if by definition not calculated into the NPS balance sheet में नहीं दिखेगा, still they are non-performing assets only. ठीक है, so ये problem हो सकता है. उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो
पर्टिकुलरली हम लोग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे जिसको बैड बैंक बोला जाता है, उसका बेसिक यही है कि वो मोनिटाइज करता है एसेट्स को। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप देखोगे तो जनरल ही सब जगह पे थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉकडाउन है, तो कोई भी एसेट की रिकवरी वैल्यू विल नॉट बी दैट मच, आप जैसे बोलोगे कि इंटरेस्टिंग, तो लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं तो मोनिटाइजेशन विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है, मतलब बजेटरी सपोर्ट ही दे दिया ना, है कि नहीं, तो देन इट विल बी वेरी सिमिलर टू लाइक रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, जो हर बार गवर्नमेंट बजट के टाइम पे कर ही देता है। तो ऐसे करना है वैसे करना है तो इसमें बैड बैंक बनाने की फिर अलग जरूरत क्या है। और उसके साथ साथ आप एक अच्छा सा स्टेटमेंट भी लिखोगे, वन ऑफ आवर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर इज देयर रघुराम राजन, ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे भी बोला था कि दिस बैड बैंक कंसेप्ट इज एक्चुअली नॉट गुड कंसेप्ट बिकॉज इट क्रिएट्स मोरल हैजार्ड। कौन से टाइप का मोरल हैजार्ड क्रिएट करता है? बिकॉज इफ वी एनेबल बैंक्स टू कंटिन्यू टू गिव देयर बैड लोन्स टू द बैड बैंक, then their balance sheet will be clean again and then they will continue with the reckless lending practices particularly related to public sector banks, theek hai, to ye nahi hona chahiye, that is his opinion, theek hai, so that is why we can say that bad loan problems require a response on the multiple front, bad bank is just a cog in the machine, to ek frame dal diya bhaiya ki bahut sari cheezon mein se bad bank is one of the जिसको आप बोलोगे प्रपोज्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ भैया बैड बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड बैंकिंग, ठीक है, बट इज क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि और भी अदर ऑप्शंस है। अगर आपको थोड़ा सा और भी लिखना है तो दो तीन ऑप्शन आप उसमें लिख सकते हो, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में लिखोगे, या फिर बेसल नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत के बारे में बोलोगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बोलोगे, एंड लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स यू कैन राइट, बट उतनी ज्यादा जगह देख के आप वर्ड लिमिट देख के आप उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करो, ठीक है। सो अभी किसी लोगों ने आंसर लिखा भी नहीं होगा तो भी अभी डिस्कशन के बाद लिखना, बिकॉज राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So that is all from my side today in this particular current affairs decoder session. Myself Shivaji Kale will now be signing off. Thank you. Subscribe to Shivaji Kale current affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.